हरे कृष्णा। ओम अज्ञानति म्लानदस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोपिष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वं रूपकदमयं ददाति सुखदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय और 5वां श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रास्ति ये प्रियाति समद्भावम याति नास्त्रय संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अंत समय तक भी भगवान ने पूरा मौका दिया है हम सबों को, यानी सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहला सकता है, या गीता कह रही है। अंत काले चमाम एव स्मरण मुक्त व कलेवरम, शरीर छोड़ते समय तक अगर कोई मेरा नाम लेता हुआ शरीर छोड़ता है तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावना की बहुत ही महत्व महिमा बताई गई है कि जो एक कृष्ण भावना है कितनी महान है, कि मनुष्य जब कृष्ण भावना में कृष्ण के भाव में रहता है तो अंत समय भी वो यही करेगा और भगवान के पास जा सकता है। इसलिए हमें सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करना चाहिए। और सदैव कृष्ण को याद करना चाहिए। जितना हम कृष्ण को याद करते रहेंगे इतना हमारा अंत सवर जाएगा, हमारी स्मृति में सदैव कृष्ण बने रहने चाहिए और उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जितना हमारे जीवन में सत्संग का संचार होगा उतना हमारा जीवन कृष्णमय होगा। वैष्णवों के माध्यम से हमें सत्संग सुननी चाहिए। और यूं हम कृष्ण के भाव में सदैव रहकर कृष्ण भावना में रहकर कृष्णमय होके अपने शरीर को त्याग देंगे तो हमारा अंत संवर जाएगा।
इसलिए सदैव श्री कृष्ण की याद कीजिए, सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के महामंत्र का जप कीजिए। और कृष्ण को अपनी स्मृति में रखिए। भगवान ने अंत तक मौका दिया, अंत तक मौका दिया है, सांस की अंतिम सांस तक मौका है, इसका लाभ लीजिए। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी सुरक्षित और स्वस्थ रखे। कल फिर मिलेंगे इसी भगवद गीता के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।